देखिए दोस्तों, ले जाते ही यहाँ पर पूरी तरीके से फॉगी हो चुका है। इस साइड में बिल्कुल भी फॉग को जमने नहीं दिया। यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जमा है लेकिन फॉग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आया है। दोस्तों, बारिश या फिर विंटर के टाइम कार के ग्लास सरफेस पर, खास करके अंदर के पोर्शन से फॉग जम जाता है, तो उस फॉग को प्रिवेंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारा एंटी फॉग प्रोडक्ट मिलता है। तो इससे पहले मैंने एक जुगाड़ वाला एंटी फॉग, जिसमें हमने जिलेट सेविंग फोम का यूज़ करके एंटी फॉग बनाया था, उसका और वेवेक्स ब्रांड का एंटी फॉग रेन रिपेलेंट स्प्रे कोटिंग का वीडियो बनाया था। अब चाहे तो उन दोनों वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद ऊपर आई बटन पर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हमारे पास प्रोक्लेयर ब्रांड का एक एंटी फॉग प्रोडक्ट है, जिसको आप कार के ग्लास सरफेस के साथ साथ आप जो बाइक के हेलमेट का वाइज़र है, इस वाइज़र पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वाइज़र क्या होता है, जब हम पहनते हैं हेलमेट को तो अंदर के पोर्शन से फॉग जम जाता है। तो ये वाला एंटी फॉग मतलब क्लेम कर रहा है इस मतलब वाइज़र पर जो फॉग जम जाता है उसको भी प्रिवेंट करता है और कार के ग्लास सरफेस पर भी फॉग को जमने से रोकता है। तो आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा ये एंटी फॉग प्रोक्लेयर ब्रांड का सिर्फ नाम का है या फिर काम का है। और वीडियो देखने के बाद एज यूजुअल, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर इसका परचेज लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चैनल बना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और मेरे लिटिल फिंगर फ्रैक्चर होने की वजह से मैंने बहुत ऐसी वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए फिर से मैं सॉरी कहना चाहूँगा आपको, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपको पोस्ट करके बता दिया था। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोक्लेयर एंटी फॉग का दोस्तों ये एक 200 ml का स्प्रे बॉटल है। ऊपर के कैप को हटाएंगे तो यहां पर है स्प्रे नोजल, और यहाँ पर सामने की तरफ देखेंगे तो देख सकते हैं लिखा है एंटी फॉग ट्रीटमेंट फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑटोमोबाइल ग्लास, यानी कार के ग्लास सरफेस और हेलमेट वाइजर्स, प्लास्टिक फिल्म यानी सन फिल्म और ग्लासेस एंड मिरर, यानी घर के ग्लास सरफेस पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मिरर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो कार के मिरर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और प्लास्टिक का मतलब है दोस्तों, जैसे यहाँ पर ये जो आई ग्लास है ये एक्चुअली ग्लास का नहीं है दोस्तों, ये प्लास्टिक यानी फाइबर टाइप मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके ऊपर में भी यूज़ करेंगे तो फॉग को जमने से रोकेगा, ऐसा क्लेम कर रहा है। तो इस तरीके का चीज़ अगर आपके घर पर कहीं पर है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आई ग्लास पर यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रोक्लेयर एंटी फॉग का परफॉर्मेंस सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे कार के ग्लास सरफेस पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार के डोर के ग्लास पर हमने बीच से एक मास्किंग टेप लगा के दो पार्ट में सेपरेट कर दिया है, ताकि कोटेड और अनकोटेड सरफेस में आपको डिफरेंस क्लियरली दिखे। तो इस साइड में हम यूज़ करेंगे प्रोक्लेयर एंटी फॉग को। तो यूज़ करने से पहले कंपनी का ये रिकमेंडेशन है, आपको बॉटल को अच्छे से सेक कर लेना है और उसके बाद सिंपली सरफेस पर स्प्रे करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से मैं स्प्रे करूँगा ताकि उस साइड में स्प्रे ना हो जाए। अभी स्प्रे करने के बाद दोस्तों आपको ज़रूरत होगा एक ऐसे क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ का, या फिर आप चाहे तो टॉवल नैपकिन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मदद से सिंपली इसको स्प्रेड करेंगे सर्कुलर मोशन में। अभी दोस्तों इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 30-40 सेकंड के लिए। तो अभी दोस्तों इसके बाद सिंपली बफ कर देते हैं, लेकिन बफ करने के टाइम पर आपको ध्यान रखना है, आपको ओवर बफिंग नहीं करना है। अभी दोस्तों मास्किंग टेप जो है इसको हटा देते हैं। अभी नॉर्मली इसको देखकर पता नहीं चलेगा कौन सा वाला सरफेस पर एंटी फॉग कोटिंग है, कौन सा वाला सरफेस पर नहीं है। तो यहाँ पर नेचुरली फॉग तो क्रिएट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल में थोड़ा सा पानी है, तो इस पानी को हम उबालते हैं। देख सकते हैं दोस्तों धुआं निकल रहा है, देखिए दोस्तों, ले जाते ही यहाँ पर पूरी तरीके से फॉगी हो चुका है वाला अनकोटेड सरफेस, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फॉग बिल्कुल भी जमने नहीं दे रहा है, इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। पानी बहुत ज्यादा उबाल गया, देखते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए और यहां पर देखिए,
इसी दोनों चीज़ से डिफरेंशिएट करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एंटी फॉग जो है प्रोक्लियर का उसका वर्किंग परफॉर्मेंस कैसा है। ग्लास सरफेस पर डेफिनेटली कोई शक नहीं है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मिला है, एकदम 100% नहीं कहूँगा 99% के करीब यहाँ पर वर्क किया है, लेकिन हाँ थोड़ा मात्रा में इवेपोरेशन जो हुआ था उसकी वजह से पानी वगैरह जम गया है यहाँ पर, ये नॉर्मल बात है, लेकिन विजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आया है उतना ज़्यादा। प्रोक्लियर एंटी फॉग को अभी हम यूज़ करेंगे मिरर सरफेस पर, तो यहाँ पर कार के IRBM को देख सकते हैं, मास्किंग टेप लगा के सेपरेट कर दिया है, इस साइड में यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा सबसे पहले चेक कर लेते हैं, स्प्रे कर देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर माइक्रोफाइबर से सर्कुलर मोशन में लगा देंगे इसको, दोस्तों अभी 30-40 सेकंड छोड़ देते हैं। अभी दोस्तों इसको बफ कर देते हैं, अभी दोस्तों इलेक्ट्रिक केटल को सबसे पहले अनकोटेड सरफेस के तरफ ले जाते हैं, देख लीजिए ले जाते हैं, यहाँ पर फॉग जम गया पूरा देखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, इस साइड में बिल्कुल भी फॉग को जमने नहीं दिया, देखिए इस साइड में देखिए और इस साइड में देखिए, डिफरेंस यहाँ से आपको पता चल रहा है, मिरर सरफेस पर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क किया दोस्तों। अभी दोस्तों प्रोक्लियर एंटी फॉग का परफॉर्मेंस हम टेस्ट करेंगे हेलमेट का वाइजर पर और इस आई ग्लास के प्लास्टिक पर, जैसे मैंने पहले भी बताया था ये प्लास्टिक का है, तो एक साइड में यूज़ करेंगे, एक साइड को नॉर्मली छोड़ देंगे। और इस साइड से भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक दोस्तों वाइजर पर हम अप्लाई करते हैं। अभी अंदर के पोर्शन से भी स्प्रे करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों वन बाई वन हम बफ करते हैं। अभी दोस्तों इलेक्ट्रिक केटल में हम पानी को सबसे पहले उबालते हैं, देख सकते हैं पानी उबाल रहा है और धुआं निकल रहा है। अभी सबसे पहले दोस्तों इस प्लास्टिक जो है आई ग्लास का, इसको यहाँ पर रख के देखते हैं, देखिए जिस साइड में नॉर्मली छोड़ दिया था पूरा फॉगी हो चुका है, देखिए अंदर और बाहर दोनों के पोर्शन से देख लीजिए, देखिए लेकिन यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी जमा है लेकिन फॉग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आया है, तो प्लास्टिक पर कितना बढ़िया तरीके से वर्क करता है इस चीज़ से आपको अंदाजा आ गया होगा, देख लीजिए डिफरेंस क्या आया है, एक में पूरा फॉग जम गया है, एक में नॉर्मल इवेपोरेशन की वजह से पानी जमा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हेलमेट के बाहर के पोर्शन जो है वाइजर का, उसको यहाँ पर नज़दीक ला के देखते हैं, देखिए दोस्तों सिर्फ इवेपोरेशन का जो पानी है वो जमा है लेकिन फॉग बिल्कुल भी नहीं जमा हुआ है वाइजर पर, फॉग जमने से पूरी तरीके से रोक दिया, सिर्फ इवेपोरेशन का पानी है। अभी दोस्तों हेलमेट जो है इसके अंदर में इसको डाल देते हैं, आप देखिए अंदर के पोर्शन में दोस्तों यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत फॉग डेफिनेटली यहाँ पर जम रहा है, लेकिन ये बात भी सही है जब आप हेलमेट को पहनेंगे तो इतना ज़्यादा मात्रा में मतलब फॉग जमने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। और दोस्तों इस प्रोडक्ट के लास्टिंग की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं वो अभी आपको नहीं बता सकते हम, कुछ दिन बाद आप कमेंट करेंगे तो मैं बता पाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज फ्यूचर में देखने के लिए, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।